सपा नेता आरिफ बेग जो कि साइकिल से पहुंचे हुए हैं। हम आपको बता दें कि यहां पर इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है कि बजट सत्र विधान परिषद का शुरू हो रहा है और सपा नेता भदोही सीट से विधायक है आरिफ बेग जो साइकिल से पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता दें, भदोही सीट से विधायक आरिफ बेग साइकिल से विधानसभा परिषद पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से बताया जाता है कि सपा का चुनाव चिन्ह भी साइकिल में हो सकता है, उसी को प्रमोट करने के लिए यह सपा साइकिल से पहुंचे हों। आज विपक्ष ने भी कई तरीके से मुद्दे को गरमाने की बात कही है। वहीं भदोही सीट से विधायक आरिफ बेग जो विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने के पहले दिन साइकिल से पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको लखनऊ से बता दें कि भदोही सीट के विधायक आरिफ बेग विधानसभा परिषद लखनऊ साइकिल से पहुंचे हुए हैं। साइकिल चला करके स्वयं वह लखनऊ के विधान परिषद पर पहुंचे। इस मामले पर चर्चा करने के लिए अनूप सिंह लखनऊ संवाददाता हमसे जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरह से भदोही विधायक आरिफ बेग साइकिल से पहुंचे हैं, आज विधान परिषद का पहला दिन है बजट सत्र का, क्या और किस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से आरिफ बेग भदोही के विधायक हैं, वो अपने आप को दिखाना चाह रहे थे कि विधायक जो है वो साइकिल से भी विधानसभा जाते हैं विधानसभा सत्र में। दूसरा वो मकसद इसका निकाला जाए तो सपा पार्टी के भदोही के जो विधायक हैं आरिफ बेग सपा पार्टी के हैं, उनका चुनाव निशान भी साइकिल है। इसका प्रचार भी प्रसार किया कहा जा सकता है कि अपने जो चुनाव चिन्ह है उनका सपा का उसका भी प्रचार करते हुए आज विधानसभा में पहुंचे हैं। पहला दिन है, जिस तरीके से आरिफ बेग विधानसभा के अंदर पहुंचे, क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो तो आरिफ बेग का कहना था कि हम जमीनी नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, जनता के सक्रिय रहे, तो इस वजह से जनता के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, इस तरीके का आश्वासन दिया है। लेकिन जिस तरीके से सपा के रवैया रहा है अभी तक का, ये इसको देखते हुए जिस तरीके से आरिफ बेग आज पहले विधानसभा में अंदर है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से सपा की गवर्नमेंट या विधायक का रवैया रहा है। तो कहीं ना कहीं अनूप, कहा जा सकता है कि इससे दो बातें निकल करके सामने आती कि जैसे कि सपा का चुनाव चिन्ह भी साइकिल है, तो साइकिल भी एक तरीके से प्रमोट हुआ, साथ ही उसने दूसरे तरीके से यह भी जताने की कोशिश की कि हम जमीनी नेता हैं। जिस तरीके से आरिफ बेग का जो आज पहला रवैया देखने को मिला, उनका साफ साफ कहना था कि हम जमीनी नेता है और जमीन जो आम जनता के साथ है, आम जनता के साथ चलना चाहते हैं, उनका दुख दर्द समझना चाहते हैं। तो जाहिर की बात है कि जिस तरीके से विधानसभा में बजट सत्र पेश होने वाला है, अब देखना है कि आरिफ बेग जो प्रतिनिधि है या जनता के लिए क्या लाना चाहते हैं, क्या जनता की जो उम्मीदें हैं, जो जनता की समस्या है वो विधानसभा में उठाएंगे सवाल, ये सब आने वाले समय में देखा जा सकता है। और आरिफ बेग की जो आज की जो उसकी भावनाएं थी, जिस तरीके से साइकिल पे जाने का विधानसभा के अंदर एक उनका अंदाज अलग था, तो इससे ये देखना, ये बिल्कुल जायज की बात है, देखना जायज होगा कि विधानसभा के अंदर किस तरीके के सवाल उठाते हैं, जनता की जो समस्याएं हैं क्या उनके। चलिए ठीक है अनूप जी, तमाम इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम आपको बता दें, भदोही सीट से विधायक आरिफ बेग इस समय विधानसभा परिषद में साइकिल से पहुंचे हुए हैं।